गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट जो 5.1 वो स्टार्ट की थी, और उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद के इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन है सभी हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। ठीक है, इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? √(x^2 − x^1)² + (y^2 − y^1)² ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फॉर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस व्हिच इज, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। तो मैं यहां पे स्टूडेंट लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, लेट ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वो मुझे पॉइंट जो फाइंड करना है उस पॉइंट को मैं x से कंसीडर कर रहा हूं। लेट x या p कर सकते हो आप p, और इसके कोऑर्डिनेट बाद में मैं लिख रहा हूं। लेट p बी द पॉइंट्स, लेट p बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस on x axis which is equidistance from a minus 3 4, इसको मैं स्टूडेंट x1 y1 कंसिडर कर रहा हूं, एंड पॉइंट b इसको मैं x2 y2 से कंसिडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट पॉइंट p, लेट एनी कंसिडर पॉइंट p बी द पॉइंट ऑन x axis which is equidistance from a एंड b। अभी देखो स्टूडेंट, हियर पॉइंट पी लाइज, किसमें लाइज है पॉइंट पी? एक्स एक्सिस पे लाइज है। पॉइंट पी किसमें लाइज है? एक्स एक्सिस पे लाइज है। तो स्टूडेंट देयर फॉर उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है? पॉइंट पी अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका जो वाई है वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, y कोऑर्डिनेट विल बी, y कोऑर्डिनेट इज जीरो। y कोऑर्डिनेट क्या है ना स्टूडेंट्स का? जीरो है ना, यानी ये x एक्सिस से मान लो यहां पे पॉइंट p, यहां पे a है और यहां पे b है, तो ab इक्वल टू bb है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, ये मैं बाद में लिख रहा हूं। देयरफॉर PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB की वाई ना, क्योंकि मैंने A और B के बीच में पॉइंट P लिया है, तो PA इक्वल टू PB। नाउ अभी मैं लिख रहा हूं, नाउ पॉइंट P लाइज इन x एक्सिस, देयरफॉर x एक्सिस में अगर पॉइंट P लाइज है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इज जीरो। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, तो p के कोऑर्डिनेट क्या है? देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x0, कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू क्या है? x0। यही मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहा हूं। देयरफॉर बाय यूजिंग, या ऐसा लिख सकते हो आप, By using distance formula, PA equal to PB, तो PA इसमें distance formula क्या है students? ये आपको लिखना है, equal to BB में क्या है वो लिखना है। PA देखो, PA क्या है? AE है x minus x one whole square प्लस 0 माइनस x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 होल स्क्वायर। pb, p यानी ये x माइनस b के कोऑर्डिनेट्स, x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y2 होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, तो क्या मिल गया है मुझे? देयरफॉर रूट में वैल्यू, x की वैल्यू कोई नहीं है स्टूडेंट,
माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है माइनस थ्री है होल स्क्वायर प्लस ये जीरो है जीरो माइनस वाई वन की वैल्यू देखो क्या है फोर है जीरो माइनस फोर होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स एक्स माइनस एक्स टू तो एक्स माइनस एक्स टू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट वन है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस y2 की वैल्यू क्या है y2 की वैल्यू माइनस फोर है उसको ब्रैकेट में लिखना है मुझे माइनस है इसके होल स्क्वायर तो देयर फॉर सॉल्व करो क्वेश्चन यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाए यानी x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर और यहां पे एंगल स्टूडेंट्स x माइनस 1 होल स्क्वायर इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 4 स्क्वायर तो ये कितना आएगा स्टूडेंट देखो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 यहाँ पे भी x माइनस 1 होल स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 अभी मुझे यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और यही हमको बोला है कि पॉइंट P ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट है फाइंड द पॉइंट्स P के मुझे फाइंड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है स्टूडेंट तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स इसका स्क्वेयर क्या आएगा स्टूडेंट ये आएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 16 अभी यहाँ पे देखो मैं अगर स्क्वायर करता हूँ स्टूडेंट्स स्क्वायर करता हूँ तो ये रूट जो है वो क्या आएगा रूट चला जाएगा या रूट में स्क्वायरिंग नहीं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ स्टूडेंट्स तो क्या आएगा उसमें स्क्वायर रूट जो है वो चला जाएगा उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो x प्लस 3 होल स्क्वायर इसमें a प्लस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 2ab टू द 6 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 16 तो देखो क्या मिलेगा मुझे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं 16 ये भी लेफ्ट हैंड साइड चलो ये 16 राइट हैंड साइड ले लो ये इधर ले लिया तो माइनस x स्क्वायर ये माइनस 2x है प्लस 2x इक्वल टू 16 प्लस 1 17 और ये 16 राइट हैंड साइड में माइनस 16 ये कितना आ गया 1 आ गया x स्क्वायर कैंसिल 6x ये 9 भी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो स्टूडेंट्स ठीक है तो ये पहले यहां पे 17 लिखो और ये 9 प्लस 16 25 लिखो 6x प्लस 25 तो क्या बचा यहां पे 6x प्लस 2x 8x इक्वल टू 17 ये 25 मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो ये माइनस 25 तो देयरफॉर 8x equal to 17 minus 25 कितना आता है minus 8 आता है therefore x equal to minus 1 तो x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है students x की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore points point P is x की वैल्यू minus 1 0 y coordinate क्या है 0 है last time तो therefore the point on x axis therefore the point on x axis which is equidistant from point a and b is क्या आएगा माइनस वन जीरो आएगा तो स्टूडेंट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं एग्जाम्पल इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में व
verify the points P, Q and R are the vertices of right angle triangle. तो स्टूडेंट्स ये मुझे वेरीफाई करना है कि दिस थ्री पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड, यानी एक साइड जो है स्टूडेंट वो एक साइड का स्क्वायर जो दो साइड के स्क्वायर का एडिशन जितना है उतना आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे इसको पॉइंट लिख रहा हूं, लेट पी माइनस टू टू, इसको मैं एक्स वन वाई वन से कैंसिल कर रहा हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट टू टू, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ एक्स टू वाई टू से, एंड आर के कोऑर्डिनेट जो है टू से वन, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ एक्स थ्री वाई थ्री। बी द वर्टाइसेस, बी द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बी द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बी द वर्टेक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये मुझे या फिर आप इतना ही लिखो, ठीक है, आर द वर्टेक्सेस, आर द वर्टेक्सेस, ये वर्टेक्सेस है। अभी देखो स्टूडेंट इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट में PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ PQ। तो PQ में क्या आएगा, देखो PQ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करो स्टूडेंट इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस 2 4 4 स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 0 स्क्वायर, कितना आ रहा है शून्य, 4 स्क्वायर यानी 16 16 प्लस 0। तो देयरफॉर PQ इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट, रूट 16 आ रहा है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ओके। अभी देखो स्टूडेंट, नाउ PQ हो गया, QR, QR में फाइंड कर रहा हूं। नाउ QR इक्वल टू, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है, देखो QR में डिस्टेंस फार्मूला x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 की वैल्यू क्या है, देखो x3 माइनस x2 यानी 2 माइनस 2 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू सेवन माइनस टू, सेवन माइनस टू होल स्क्वायर, टू माइनस टू जीरो प्लस सेवन माइनस टू फाइव स्क्वायर यानी रूट 25। क्यू आर इक्वल टू कितना मिल गया रूट 25, इसको मैं इक्वेशन टू दे रहा हूं। उसके बाद पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अभी मैं पी आर फाइंड कर रहा हूं। नाउ डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल टू, यहाँ पे भी फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री एक्स वन, एक्स थ्री एक्स वन की वैल्यू क्या है, टू माइनस टू माइनस माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन यानी सेवन माइनस टू होल स्क्वायर, सेवन माइनस टू होल स्क्वायर। और सॉल्व करो स्टूडेंट, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5 5 स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस 25, रूट 16 प्लस 25 कितना आता है, ये आता है रूट 41। यानी डिस्टेंस ऑफ PQ क्या कितना मिला स्टूडेंट मुझे, PQ इक्वल टू रूट 41 मिला, इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट अभी राइट एंगल ट्रायंगल मान लो ये ऐसा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू और आर। तो देखो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा मुझे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बराबर है, ये चाहिए। तो देखो स्टूडेंट मैं अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिख सकते हो आप,
from equation 1 and 2. Equation 1 का square मैं ले रहा हूँ, PQ square plus QR square, PQ square plus QR square कितना आ रहा है? Root 16 plus root 25 equal to कितना आ रहा है? Root 41 आ रहा है. Root 41 क्या है students? Square है ना, तो root नहीं आएगा. 16 plus 25 ये कितना है? 41 आ गया. And form equation 3. Form equation 3. Equation 3 है, इसका भी मैं square कर रहा हूँ. PQ square कितना आ रहा है students? रूट 41 का स्क्वायर कितना होगा? रूट चला जाएगा तो 41 आ जाएगा. तो देखो शुमन, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन ये इतना आ रहा है PQ स्क्वायर का, तो मैं लिख सकता हूँ therefore PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 41 है, ये इसका एडिशन है. तो यहाँ पे रीजन आएगा, रीजन क्या आएगा? बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, या डायरेक्ट लिख सकते हो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा स्टूडेंट्स? ट्रायंगल PQR इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, इज एन राइट एंगल ट्रायंगल. कभी मुझे फाइंड क्या करना है, वेरीफाई करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर फॉर पॉइंट पी माइनस टू टू पॉइंट क्यू टू टू आर के कोऑर्डिनेट्स 2 7 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ये वर्टाइसेस किसके रहेंगे स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्रायंगल के रहेंगे. ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको. उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6. देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? शो दैट दिस पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेलोग्राम. मुझे बताना है कि ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स पैरेलोग्राम के वर्टेक्सेस है. तो स्टूडेंट्स, ये साइड और ये साइड इक्वल बतानी पड़ेगी तभी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पॉलीलेटरल है वो पैरेललोग्राम रहेगा. तो स्टूडेंट देखो, गिवन मुझे क्या दिया है? पॉइंट्स दिए पी टू माइनस टू, क्यू दिया है 7 3, और आर दिया है 11 माइनस 1, एंड एस दिया है 6 माइनस 6. ठीक है स्टूडेंट, तो देखो फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे. मैं पहले पी क्यू फाइंड कर रहा हूँ. सभी इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स. बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा? देखो 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस, ऑलरेडी माइनस है, माइनस 2 होल स्क्वायर. अभी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के नहीं दिया. ओके, तो इसको सॉल्व कर लो. 7 माइनस 2 5, 5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5 स्क्वायर. कितना आ गया? 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, तो रूट 50 आ गया. रूट 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू 2 25 इंटू, तो रूट 25 वैल्यू 5, ये आएगा 5 रूट 2. इसकी वैल्यू है स्टूडेंट पी क्यू की वैल्यू. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 5 रूट 2. ये फर्स्ट हो गया. नाउ अभी मैं डिस्टेंस पी क्यू हो गया, क्यू आर फाइंड कर रहा हूँ. क्यू आर इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? क्यू आर 11 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर, -1 -3 होल स्क्वायर. 11 माइनस 7 कितना होता है स्टूडेंट? 4 होता है. 4 स्क्वायर प्लस -1 -3 -4 होल स्क्वायर. तो इसका भी एडिशन कर लो. तो देयरफॉर QR इक्वल टू 4 स्क्वायर 16
प्लस माइनस फोर स्क्वायर भी 16, तो सीधे हो गया 32, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 into 2 यानी 4√2, तो डिस्टेंस ऑफ दी बार क्या मिल गया मुझे 4√2 मिल गया, ये हो गया इक्वेशन 2, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। अभी PQ हो गया, QR हो गया, अभी RAS, RAS फाइंड करना डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस ऑफ RAS इक्वल टू क्या आएगा, देखो RAS में 6 - 11 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, तो माइनस 5 यानी 25 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 और माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25, दिया गया रूट 50 राइट। रूट 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 25 into 2, रूट 25 यानी 5 √2, therefore डिस्टेंस ऑफ RAS इक्वल टू 5 √2 हो गया इक्वेशन 3। अभी देखो 4 क्या आएगा, PS, now PS इक्वल टू, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, PS में 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स माइनस टू होल स्क्वायर, तो आप बोलो 6 - 2 कितना आता है स्टूडेंट्स, 4 स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर, तो ये हो गया 16 + 16 PS, therefore इसको मैं 32 लिख सकता हूँ, तो PS इक्वल टू 32 यानी 16 into 2 यानी 4√2, PS कितना मिल गया इसमें मुझे 4√2, इसको मैं इक्वेशन 4 कंसीडर कर रहा हूँ, PS इक्वल टू 4। तो अभी देखो स्टूडेंट PQ इक्वल टू RAS आ गया क्या, देखो PQ इक्वल टू RAS आ गया और QR इक्वल टू PS आ गया, ये और ये सेम है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ स्टूडेंट फॉर्म इक्वेशन 1 and 3, फॉर्म इक्वेशन 1 and 3 PQ इक्वल टू RAS एंड फॉर्म इक्वेशन 2 and 4, फॉर्म इक्वेशन 2 and 4 QR इक्वल टू PS therefore quadrilateral is parallelogram, जब आप पूरा वर्ड लिख लो, therefore quadrilateral is parallelogram, तो parallelogram कब होता है स्टूडेंट, quadrilateral जब उसकी अपोजिट साइड जो रहती है वो इक्वल रहती है, मैं यहाँ पे इसमें क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे गिवन का भी तो इरेज हो गया, the quadrilateral is parallelogram कब होता है, when opposite sides are equal, बराबर है, जब opposite side equal रहते तब वो parallelogram रहता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore quadrilateral PQRS is parallelogram, therefore quadrilateral PQRS is parallelogram, ठीक है, therefore vertices of P के वर्टेक्सेस आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिए, तो P के जो वर्टेक्सेस थे स्टूडेंट वो थे 2 - 2 Q के वर्टेक्सेस 7 3 R के वर्टेक्सेस 11 - 1 और S के वर्टेक्सेस 6 - 6, ठीक है, R the vertices of parallelogram तो ये हो गया क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट।